तो दोस्तों आई एम बैक विद अनदर वीडियो और मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। पिछले कुछ टाइम से मैं आपके लिए कोई वीडियो नहीं ला पा रहा था क्योंकि मैं घर के काम में कुछ ज़्यादा ही बिजी हो गया था, लेकिन अब मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके लिए टाइम टू टाइम नई नई वीडियोज़ लेकर आने की, ताकि आप लोगों का जो वीडियो का जो फ्लो है वो बना रहे और आप लोग वीडियोज़ को एन्जॉय करते रहें। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक कम्प्लीट कूलिंग सोल्यूशन लाया हूँ, जो कि है एक कैसेट सीलिंग एयर कंडीशनर, जो कि एक कंप्लीट कूलिंग सॉल्यूशन आप कंसिडर कर सकते हैं। क्योंकि जब बात आती है लुक्स की, जब बात आती है फास्ट कूलिंग की और जब बात आती है बिल्कुल लो नॉइस लेवल की, तो कैसेट एयर कंडीशनर्स एक बहुत ही बढ़िया विकल्प साबित हो सकते हैं। दोस्तों कैसेट एयर कंडीशनर्स लुक वाइज बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं और आप जब बहुत ज़्यादा गर्मी से घर में वापस आते हैं तो आपको चाहिए एक इमीडिएट कूलिंग, और वो आपको कैसेट एयर कंडीशनर्स बहुत जल्दी से दे सकते हैं। ऑफिसेज और स्कूल कॉलेजेस इंस्टीट्यूट्स वगैरह के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होते हैं, और अगर आप एक कैसेट एसी चाहें तो छोटी जगह पर लगा सकते हैं, चाहे तो बड़ी जगह पर लगा सकते हैं, हर टाइप की जगह के लिए कैसेट एसीज यूज़ कर सकते हैं। आज मैं कैसेट एसीज के बारे में आपको काफ़ी ज़्यादा जानकारी दूंगा, लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए, ताकि इस तरह की वीडियोज आप लोगों को मिलती रहें, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको छोटा सा लाइक भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कैसेट एयर कंडीशनर्स के लुक्स की। देखिए दोस्तों जो कैसेट एसीज होते हैं वो आपके नॉर्मल स्प्लिट एयर कंडीशनर्स की तरह ही होते हैं, बस फर्क यही होता है कि आपके जो कैसेट एसीज होते हैं वो आपके सीलिंग पे लगते हैं और आपके नॉर्मल जो आपके वॉल वाले स्प्लिट एयर कंडीशनर्स होते हैं वो आपके वॉल पे यानी कि दीवार पे लगते हैं। अब कैसेट एयर कंडीशनर्स जो हैं उसके लिए आपको एक फॉल सीलिंग की जरूरत पड़ती है, ताकि कैसेट एयर कंडीशनर्स बिल्कुल आपके फॉल सीलिंग के बराबरी में लग जाते हैं, और देखा जाए तो ये दिखते ही नहीं है, किसी बाहर के इंसान को पता ही नहीं चलता जब आपके रूम में वो एंटर करता है कि आपके रूम में कहीं एयर कंडीशनर भी लगा हुआ है। आप सोचिए कि ये देखने में कितना सुंदर लगता होगा कि जब बाहर का कोई गेस्ट आपके घर में आता है और उसको पता ही नहीं चलता कि आपका रूम कितनी जल्दी कहां से ठंडा हो गया, अचानक से वो ऊपर सीलिंग की तरफ देखता है तो सुंदर सा आपको वो कैसेट एयर कंडीशनर उसको वो दिखता है, या तो वो एक डायरेक्शन से या फिर दो तीन या फिर चारों डायरेक्शन से वो हवा को छोड़ रहा होता है, बिल्कुल ठंडी हवा ऊपर से नीचे आती है और नेचुरल कन्वेक्शन से गर्म हवा ऊपर जाती है, धीरे धीरे आपका रूम जो है बहुत जल्दी से ठंडा हो जाता है। और चूंकि कैसेट एयर कंडीशनर्स चारों डायरेक्शन से एयर को वो ठंडी हवा को वो थ्रो करते हैं, इसलिए वो बहुत जल्दी से आपके रूम को कूल कर देते हैं। अब इसके बाकी फीचर्स की अगर बात करें तो कैसेट एयर कंडीशनर्स में आपको नॉर्मल स्प्लिट एसी जो वॉल वाले स्प्लिट एसी होते हैं उनकी तरह ही आपको कैसेट एयर कंडीशनर्स में भी प्रॉपर एयर फिल्टर्स मिल जाते हैं, PM1 फिल्टर मिल जाता है, नॉर्मल जो इनिशियल आपका प्री फिल्टर होता है वो भी आपको मिल जाता है, और इनको साफ करना मेंटेन करना भी बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। मैं आपको डिसएडवांटेज बताऊंगा कहाँ पे आता है बेसिकली, वो भी मेंटेनेंस के साथ ही रिलेटेड है, लेकिन नॉर्मल अगर मेंटेनेंस देखी जाए इस एसी की तो बहुत ज़्यादा आसान होती है, आप घर पे भी आराम से इसका जो फिल्टर वगैरह निकाल के इसको आप कूल कर सकते हैं। कैसेट एयर कंडीशनर्स आपको कॉर्डेड रिमोट या फिर आपको विदाउट कॉर्ड रिमोट वाले आपको दोनों टाइप के मिल जाते हैं, यानी कि इसका जो रिमोट होता है वो या तो कॉर्डेड होता है यानी कि तार वाला होता है, या फिर बिना तार वाला रिमोट भी आपको इसमें मिल जाता है। कैसेट एयर कंडीशनर्स मैंने काफ़ी जगह पे सैमसंग, मित्सुबिशी, वोल्टास और भी काफ़ी ब्रांड के कैसेट एयर कंडीशनर्स मैंने लगे हुए देखे हैं हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स, कॉलेजेस वगैरह में, और लोग आज की डेट में इसको घरों पे भी लगा रहे हैं, तो थोड़ा सा पैसा ज़्यादा खर्च के फॉल सीलिंग वगैरह लगवा कर लोग अपने घरों पे भी कैसेट एयर कंडीशनर्स आज की डेट में लगवा रहे हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले तो कैसेट एसीज जो हैं वो आपकी स्पेस सेविंग बहुत ज़्यादा करते हैं। आप एक विंडो एसी लगाते हैं तो आपको एक कंप्लीट विंडो जो है वो आपकी घेर लेता है आपका विंडो एसी। आप अगर एक स्प्लिट एसी लगाते हैं, नॉर्मल वॉल वाला स्प्लिट एसी लगाते हैं, तो आपके वॉल पे वो कहीं ना कहीं उसको हैंग करना पड़ता है, तो वो जगह भी वो काफ़ी ज़्यादा घेर लेते हैं। अगर आपके पास छोटी सी जगह है जहाँ पर आपको शायद स्प्लिट एसी लगाने की जगह ही ना हो, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, वहाँ पर आपका कैसेट एसी बहुत ज़्यादा काम करता है, क्योंकि देखा जाए तो कैसेट एसी बिल्कुल भी जगह घेरता ही नहीं है, क्योंकि ये आपके सीलिंग पे, आपके रूफ पे लग जाता है। महंगा इसलिए पड़ता है क्योंकि इसमें आपको फॉल सीलिंग भी लगानी पड़ती है, साथ ही साथ इसमें आपको जगह जगह होल्स और ड्रिल्स वगैरह करने पड़ते हैं, और इसका जो टोटल डक्ट है जो आपका आउटडोर यूनिट तक जाता है वो आपका काफ़ी लंबा, आपका बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से वो आउटडोर यूनिट तक जाता है, तो इसीलिए
थोड़ा सा इसका जो इंस्टॉलेशन है वो जो है थोड़ा महंगा हो जाता है। दोस्तों कैसेट एसीज बेसिकली वन वे, टू वे, थ्री वे या फिर फोर वे होते हैं, डिपेंड करता है कि वो हवा को एक ही डायरेक्शन से छोड़ते हैं या फिर दो डायरेक्शन से, तीन या फिर चार डायरेक्शन से, उसके हिसाब से वन वे, टू वे, थ्री वे या फोर वे होते हैं। साथ ही साथ जो कैसेट एसीज होते हैं इनकी वर्किंग बहुत ही ज़्यादा साइलेंट होती है। आपके नॉर्मल किसी भी एसी से आप कंपेयर कीजिए, कैसेट एसीज जब आपके चलते हैं तो इसकी कोई आवाज़ ही नहीं आती है और बिल्कुल साइलेंट में आपके रूम को ये बहुत जल्दी से ठंडा भी कर देते हैं। लेकिन दोस्तों कैसेट एयर कंडीशनर्स जो हैं, अगर आप इनकी प्राइस की बात करें तो आपके नॉर्मल विंडो एसी या फिर आपके स्प्लिट जो वॉल वाले जो स्प्लिट एसी हैं उससे भी बहुत ही ज़्यादा महंगे होते हैं। करीब करीब ऑलमोस्ट डबल का फ़र्क होता है। यानी कि अगर आपका एक विंडो एसी 30-35 हज़ार का पड़ रहा है तो आपको कैसेट एसी की सिर्फ बाइंग आपको करीब 70-75 हज़ार रुपये की पड़ेगी। और अगर आपका एक वॉल हैंगिंग स्प्लिट एसी है वो अगर आपका करीब 60 हज़ार का पड़ रहा है तो आपको कैसेट एयर कंडीशनर जो है 1,10,000 का, 1,15,000 का आपको उस ब्रांड का कैसेट एयर कंडीशनर मिलेगा। तो ऑलमोस्ट जो है वो डबल प्राइस आपको कैसेट एयर कंडीशनर्स का मिलता है, जिसके कारण लोग अपने घरों में इसको इंस्टॉल करने की जनरली प्रेफर नहीं करते हैं। लेकिन आज की डेट में लोगों की जो बाइंग कैपेसिटी है थोड़ी बहुत बढ़ गई है तो लोग इसको अपने घरों में भी इंस्टॉल कर रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर ये जो है शॉप्स में या फिर ऑफिसेज में या फिर स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट्स वगैरह में या फिर हॉस्पिटल वगैरह में जो है ये ज़्यादा इंस्टॉल किए जाते हैं, जहाँ पर बिल्कुल साइलेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और जहाँ पर स्पेस सेविंग की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब दोस्तों अगर आप बात करें इसकी कूलिंग एफिशिएंसी की तो इसकी कूलिंग एफिशिएंसी इतनी ज़्यादा बढ़िया क्यों होती है? क्योंकि दोस्तों अगर आप देखें एक एयर कंडीशनर की आइडियल प्लेसमेंट आपके रूम पे कहाँ होनी चाहिए, एक एयर कंडीशनर की आइडियल प्लेसमेंट आपके रूम के कहीं पर भी मिडल में होनी चाहिए। और आप अगर देखें एक वॉल हैंगिंग स्प्लिट एयर कंडीशनर, वो आपको किसी ना किसी वॉल में यानी कि कहीं ना कहीं रूम में साइड में लगाना पड़ता है। विंडो एसी तो आपको किसी ना किसी विंडो पे ही लगाना होता है, लेकिन आप कैसेट एयर कंडीशनर अपने रूम में बिल्कुल मिडल में लगा सकते हैं, जहां से हवा जो है वो बराबर की स्पीड में हर कोने में एक ही टाइम पे पहुंचेगी, इसीलिए आपके रूम को वो कम टाइम में जल्दी ठंडा कर देती है, इसीलिए उसकी जो एफिशिएंसी है वो सबसे ज़्यादा आती है। एफिशिएंसी ज़्यादा आती है इसीलिए इसमें जो आपका बिजली का खर्चा है वो भी कंपैरेटिवली थोड़ा बहुत कम होता है अगर आप कंपेयर करें बाकी के एयर कंडीशनर से। लेकिन दोस्तों आपका ओवरऑल जो एसी का जो इनिशियल बाइंग कॉस्ट है वो जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव चले जाता है। अब मैं सीधा इसके प्रोज एंड कॉन्स में अगर आ जाता हूं तो सबसे बड़ा प्रो तो मैंने आपको बताया इसकी स्पेस सेविंग है। उसके बाद जो इसका एडवांटेज है वो है इसका नॉइज लेवल जो कि बहुत ही ज्यादा कम है। उसके बाद इसका एडवांटेज जो है वो है इसके लुक्स जो कि रियली बहुत ही अच्छे हैं और आपके घर को, ऑफिस को बहुत ही अच्छी एस्थेटिक वैल्यू ये प्रोवाइड करते हैं। और इसका अगर एक और मैं पॉजिटिव की बात करूं तो इसकी मेंटेनेंस वगैरह बहुत ही ज्यादा आसान होती है। अगर मैं इसके कॉन्स की बात करूं यानी कि इसके नेगेटिव्स की बात करूं तो सबसे बड़ा नेगेटिव तो इसका प्राइस है, यानी कि इसका कॉस्ट जो कि बहुत ही ज्यादा होता है। और मैं जो इसकी दूसरी नेगेटिव की बात कर रहा था दोस्तों, वो इसकी जो मेंटेनेंस है वो वैसे तो आसान है, लेकिन अगर ये कहीं से भी ख़राब हो जाता है तो इसकी रिपेयरिंग जो है वो मुश्किल होती है, क्योंकि इसका सारा जो डक्ट है वो खोलना पड़ता है, इसके सारे जो वायरिंग वगैरह हैं जो आपके फॉल सीलिंग के अंदर से जाते हैं वो सब इसके खोलने पड़ते हैं। तो उसके लिए आपके फॉल सीलिंग के अंदर होल वगैरह ड्रिल करने या फिर आपके फॉल सीलिंग खोलना ये सब कुछ बहुत ज़्यादा जो है मुश्किल हो जाता है, जिससे इसका जो रिपेयरिंग है वो कॉस्ट भी उसकी ज़्यादा आती है, आपका रिपेयरिंग महंगा पड़ता है और जो है वो मुश्किल भी पड़ता है, टाइम भी उसमें ज्यादा लग जाता है। तो यहां पर कैसेट एयर कंडीशनर्स का डिसएडवांटेज थोड़ा सा देखा जा सकता है, लेकिन कैसेट एयर कंडीशनर्स की रिपेयरिंग की इतनी ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं है। आप अगर टाइम टू टाइम एवरी ईयर इसकी सही तरीके से मेंटेनेंस करवाते रहें तो इसकी जो खराब होने की संभावना है वो इतनी ज्यादा नहीं होती है, क्योंकि ऐसे कुछ इसमें खराब होने के पार्ट्स कुछ ज्यादा होते नहीं है और जो होते हैं इसके आउटडोर यूनिट में होते हैं, जो कि नॉर्मल आपके स्प्लिट एयर कंडीशनर की तरह आपके घर से बाहर लगा होता है। तो दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कुछ कैसेट एयर कंडीशनर्स के बहुत बढ़िया लिंक्स दे दिए हैं जहां से आप इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं, चाहे तो आप इनको ऑनलाइन खरीद भी सकते हैं। लेकिन अगर आप इनकी ज्यादा रेंज चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन बहुत ज्यादा रेंज आपको इसकी नहीं मिलेगी, इसके लिए आपको कैसेट एयर कंडीशनर्स के शोरूम में जाना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर ब्रांड के आपको शोरूम में जाना पड़ेगा। और जहां तक बात आती है ब्रांड की, तो कैसेट एयर कंडीशनर्स वैसे तो आपको हर ब्रांड में मिल जाता है, लेकिन मैंने बहुत ही बढ़िया कैसेट एसीज देखे हैं, मित्सुबिशी के, सैमसंग के, जो कि रियली बहुत ही ज्यादा सुंदर कैसेट एसी
एसीज आते हैं और काफ़ी जगह में इंस्टॉल किए होते हैं। वोल्टास के कैसेट एसीज भी मैं देख चुका हूँ लेकिन लुक वाइज मुझे वो खास अपीलिंग नहीं लगे। लेकिन हाँ, अगर मैं बात करता हूँ सैमसंग की और मित्सुबिशी की तो ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होते हैं, और हिटैची के कैसेट एयर कंडीशनर्स भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आते हैं। तो दोस्तों, इन कैसेट एयर कंडीशनर्स को आप ज़रूर एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और इन कैसेट एसीज को अगर आप अपने घर में इंस्टॉल करते हैं तो 100% लोग आपके घर की जो इंटरनल ब्यूटी की जो तारीफ है, जो एसडीज की जो तारीफ है, वो बहुत ज़्यादा करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपके क्या विचार हैं कैसेट एयर कंडीशनर्स के बारे में नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सुनने में बहुत मज़ा आएगा कि आपके क्या विचार हैं कैसेट एसीज के बारे में। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी और प्रोडक्ट के साथ। तब तक के लिए सुदीप साइनिंग ऑफ।